सेंट्रल एसी, सेंट्रल एसी के बारे में जानेंगे पूरा विस्तार से कि और सेंट्रल एसी कितने प्रकार की होती है, सेंट्रल एसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सेंट्रल एसी किसे कहते हैं, तो कंप्लीट पूरा सेंट्रल एसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें सेंट्रल एसी कहते किसे, सेंट्रल एसी का प्रयोग देखिए, सेंट्रल एसी कोई स्पेशल एसी नहीं होती है, बस बड़े प्लांटों में जो एसी प्रयोग किया जाता है, जो किसी सेंट्रल में प्रयोग किया जाता है, उसे हम सेंट्रल एसी या सेंट्रल एयर कंडीशनर के नाम से जानते हैं। यानी इस एसी का प्रयोग बड़े बड़े हॉल, होटल, थिएटर या फिर कहीं पर शॉपिंग मॉल, तो बड़े बड़े स्थानों को ठंडा करने के लिए जिस एसी का प्रयोग करते हैं उसे हम सेंट्रल एसी के अंतर्गत जानते हैं, यानी सेंट्रल एसी के नाम से जानते हैं। सेंट्रल एसी कितने प्रकार की होती है अगर बात करें तो सेंट्रल एसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। सेंट्रल एसी यानी जो एसी बड़े बड़े प्लांटों में प्रयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिसमें एक एसी का नाम होता है पैकेज एसी, एक एसी का नाम होता है पैकेज एसी और दूसरे एसी का नाम होता है चीलर एसी। एक का नाम होता है पैकेज एसी और दूसरे का नाम होता है चीलर एसी। यानी सेंट्रल एसी दो प्रकार की होती है, जिसमें एक है पैकेज एसी और दूसरी है चीलर एसी। पैकेज एसी क्या होती है ये समझिए, देखिए पैकेज एसी का प्रयोग भी बड़े बड़े स्थानों में किया जाता है और चीलर एसी का प्रयोग भी बड़े स्थानों में ही किया जाता है, लेकिन पैकेज एयर कंडीशनर का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे पानी की उपस्थिति न हो, यानी कि जहां पे बहुत अधिक भी ठंडा नहीं करवाना है, टेम्परेचर को माइनस में लेके नहीं जाना है, जहां पे इंसान रहते हो यानी जहां पे आदमी मनुष्य रहते हो वहां पे ठंडा करवाने के लिए हम पैकेज एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं। यानी और जो दूसरा एसी हमारा है चीलर एसी, नाम से ही स्पष्ट होता ना, चीलर यानी चील यानी बहुत अधिक ठंडा करवाने वाला, जहां पर हमें टेम्परेचर को माइनस में लेके चले जाना होता है वहां पे हम चीलर एसी का प्रयोग करते हैं। अब समझिए ये जो पैकेज एसी है ना, बड़े स्थानों को ठंडा करती है, लेकिन इसमें जो कंडेंसर लगता है एयर कूल्ड कंडेंसर लगता है, यानी हवा के द्वारा कार्य करने वाला कंडेंसर लगता है हमारे पैकेज एसी में, क्योंकि यहां ये उन स्थानों पे भी यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है जहां पर पानी की उपस्थिति नहीं होती है। और चीलर एसी का प्रयोग सिर्फ उन्हीं स्थानों पे किया जाता है जहां पर पानी की उपस्थिति होती है, यानी कि चीलर एसी का जो कंडेंसर होता है उस पे पानी गिरा करके ठंडा करवाया जाता है। तो ये जो चीलर एसी है ना, इसका प्रयोग कहां किया जाता है, जैसे बर्फ बनाने की फैक्ट्री में, जहां पे सिल्ली जमानी हो, जहां पे टेंपरेचर को माइनस में लेके जाना हो, जहां पे पानी को जमा देना हो, वहां पर हम चीलर एसी का प्रयोग करते हैं। और जहां पे सिर्फ नॉर्मल ठंडा करवाना हो, जैसे कोई बहुत बड़ा हॉल हुआ, कोई होटल हुआ, कोई सिनेमा घर हुआ, कोई बीमार्ट हुआ, कोई शॉपिंग मॉल हुआ, तो ऐसे स्थानों पर पैकेज एसी लगती है और चीलर एसी वहां लगती है जहां पे टेम्परेचर को माइनस में लेके जाना हो, या फिर जहां पे बहुत अधिक ठंडा करवाने की जरूरत पड़े, या फिर जहां पे पानी की सुविधा हो वहां पर चीलर एसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे सेंट्रल एसी के अंतर्गत जो आते हैं। सेंट्रल एसी देखिए कोई एसी नहीं होती है, सेंट्रल बस एक नाम है और उसके अंतर्गत दो एसियां हमारी हैं, जिसमें एक का नाम है पैकेज एसी और एक का नाम है चीलर एसी। पैकेज एसी को हमने बताया, ये इसका कंडेंसर जो है वो एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, यानी हवा के द्वारा कार्य करने वाला होता है, और चीलर एसी का जो कंडेंसर होता है वो वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है, यानी पानी के द्वारा ठंडा करता है। इसके संपूर्ण मैकेनिकल भागों के वीडियो देखिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ऐसा पूरा चित्र बना करके कि ये कैसे कार्य करता है, इसके अंदर कितने इवापोरेटर लगे होते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है, कौन सा कंप्रेसर लगता है, कौन सा कंडेंसर लगता है, और पूरे डिटेल में जाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।